कहे थे उसी लोक में जीवन मुक्त हो जाए। एक मैं हूँ दूजा मेरा है, जितने भाई भाई बैठे हो उसी का त्याग। सतगुरु भगवंत के चरणों में भेटा चढ़ाओ तो आप दुख से छूट जाओ। ये दुख रूप है, इसी में सारे जीव जगत के रो रहे हैं रात दिन। ये ममत्वान रोटवाला कहती है राजन, इसमें ममत्व क्यों भरा है? तभी तो आप दुखी हो। अभी सुख को चाहो, शांति चाहते हो तो साध संगत के द्वार शांति पाओ। महात्मा के संग में शांति है। प्रेम से बोलो रे, सत्संग में जाइए साथ में लीजिए को, खुद का न ले जाओ पीछे, पाओ न दीजिए आगे हो सो हो। जब तक सत्संग समाप्त हो गए धुनी लगे शांति से बैठे हो, आगे जो होगा सो आते ही होगा, अंतर्यामी आते ही वो संभाल करेगा। आप थोड़ी संभाल कर रहे हो, आप कुछ नहीं करे, भगवान अंतर्यामी कर रहे थे। आप निमत मात्र है, निमत मात्र। ये भगवान सारा का कारोबार व्यवहार सारा भगवान करते हैं, आप निमत मात्र है। ये कहता है मैं करता हूँ, ये मैं कुटुंब को खिलाता हूँ, नहीं, ये भगवान सारा कर रहे हैं। आपने गलती करके ये अपने पर बोझा रखा है। एक बढ़िया था, छोटे गांव में रहता था, छोटा गांव रहता तुम्हारा बढ़िया। वो क्या करते थे, हफ्ते में एक दिन रविवार को ऊंट लेके एक शहर का बड़ा 10-12 मील पर वहां से सामान ले आता था। 7 मण ऊंट पर लाद के ऊपर चढ़ के ले आता था। करते करते प्रभु की लीला दीपमाला आ गई, ऊंट ले गया वहां से, क्या करा 10 मण बार का लिया सामान का, 10 मण लेके ऊंट पर लाद के आई शहर से बाहर निकाल के चढ़ के बैठा, ऊंट को चलाया। जब ये 2 मील चला तो उठ चले थे, क्योंकि 7 मण तो खुशी से उठाते थे। प्रेम से बोलो, 3 मण 2.5 मण 3 मण जो ऊपर पड़ा जास्ती वो चल नहीं सकते। तभी उसने क्या करा, विचार का भी क्या करें, यहाँ जंगल में तो माल नहीं छोड़ेंगे, वापस भी नहीं जाएंगे, अभी क्या करें, दीपमाला है अभी क्या करें। विचार करा कि ऊंट 7 मण तो उठाता था पर अभी 2.5-3 मण जास्ती है, इसी से गुरु कुछ बार कुछ हल्का करे। तो क्या करा, 2 मण की एक बोरी थी तो उठा के सर पर रख दी। आप ऊंट पर बैठा है, ऊंट पर ये ऊंट पर बार है बहुत, कुछ हल्का करे तो ऊंट चले, तो 2 मण की बोरी सर पर रख के चलाने लगे। चलने लगे तो दिन में कुछ धूप हुई गर्मी हुई, थोड़ा आधा मैल चला तो ऊंट चले, आधा मैल चला तो आगे ऊंट चले। वो भी पघर के पसीने में बड़ा खराब हो गया, 2 मण की बोरी जो सर पर हुई, धूप गर्मी का दिन बड़ी तकलीफ, ऊंट खड़ा हो गया अभी करके क्या करे, बड़ा दुखी हुआ। इतने में एक विवेकी पुरुष वहां के गुजरा, वो कहने लगे रे भाई ये क्या है, तो सारी उसको हकीकत सुनाई के मेरा ऊंट 7 मण तो उठा है पर मैंने 10 मण लिया लालच करके दीपमाला के लिए, इसीलिए ऊंट नहीं चल सकता है, इसीलिए 2 मण तो मैंने बोरी रखी है सर पर, बाकी ये 8 मण है ऊंट पर, अभी चलता ही नहीं, हम क्या करें कि बोरी सर पर क्यों रखिए, तो बहुत जो ऊंट पर बार है इसीलिए हल्का करा है ऊंट पर बार। तभी वो हंसने लगी, ये मेरे प्यारे ये 2 मण बार आपका है सर पर, आप किसी पर हैं, कि मैं तो ऊंट पर हूं। ये कहेंगे प्यारे ये बार तो फिर भी ऊंट पर ही हूं, चक्कर खा के फिर बार तो ऊंट पर ही हुआ, या आप मरते हो बीच में बार तो है ऊंट पर, आप 2 मण की बोरी सर पर उठा रखी है, आप मरते हो बीच में ऊंट तो मरते हैं पर आप भी मरते हो। ये बात तो सच्ची करी, अभी क्या करे, कैसे करो, ये 2 बोरी इस पर रख दियो, 2 मण जो मैं उस तरह पर उठाइए, आप उतरो नीचे, नीचे उतर के ऊंट को प्यादल ले चलो तो आपका बोझा कम हो जाए, बाकी ये बोझा फिर तो हुआ ऊंट पर। कहने लगे ठीक है, फिर उतर के वो 2 मण उठ कर रख के ऊंट को प्यादल ले गया घर, बड़ी खुशी से ले गया। इसका सिद्धांत क्या है कि अंतर्यामी सारे की पालना कर रहे हैं,
ये प्रभु ही सारे शरीर को हला चला रहे हैं, सारा व्यवहार अंतर्यामी कर रहे हैं। ये जीव इतने बोझा करके मैं करता हूँ, ये बोझा उठा के दुखी हुआ है, वो करता है भगवान। एक प्रेमी आया था दिल्ली में दो तीन दिन, एक दिन आए ही नहीं। तभी उसको हमने कहा मुझे भाई आप तो बड़ा प्रेमी, सारे प्रेमी सत्संग से आगे आता था, अभी तीन दिन नहीं आया। कि पिताजी हमारे को कहते कि सत्संग में न जाओ, यहाँ दुकान चलाओ, संत खिलाएंगे क्या, संत खिलाएंगे क्या, जब ही कमाए तभी खाएंगे, संत खिलाएंगे क्या, न जाओ। इसीलिए नहीं आया, आज चोरी चोरी आया हूँ। मुझे बड़ा अच्छा, आपके पिता से पूछना, प्रेम से बोलो रे, संत नहीं खिलाएंगे तो भगवान तो खिलाएंगे, क्या कहा तो पिता पिता को कहना, संत नहीं खिलाएंगे तो भगवान तो खिलाएंगे, पिता से पूछना। कैसे आम स्वामी जी पूछेंगे, फिर दूसरे दिन मुझे पूछा कि हाँ जी मैंने पिता को कहा कि संत नहीं खिलाएंगे तो भगवान तो खिलाएंगे, तो मेरे को पिता कहने लगे भगवान क्या खिलाएंगे, जब भी आप करेंगे तभी भगवान खिलाएंगे, वो भी जब आप कमाएंगे तभी भगवान खिलाएंगे, उसे थोड़ी भगवान आके खिलाएंगे, कहाँ बैठाए भगवान, मेरे को दिखाओ, भगवान नहीं खिलाएंगे। मुझे अच्छा पिता को कहना कि संत तो नहीं खिलाएंगे, भगवान को नहीं खिलाएंगे, पर पिताजी हम या आप दो महीना बीमार हो जाओ तो फिर कौन खिलाएंगे, ये पूछना। फिर अच्छा फिर तीसरे दिन आया, हमने कहा पूछा कि हाँ जी पूछा, वो तो क्या कहा कि मैंने पिता को कहा संत नहीं खिलाएंगे, भगवान नहीं खिलाएंगे, तो कोई बीमार हो जाए आप जा में तो फिर दो महीना महीना बीमार हो जाए फिर कौन खिलाएंगे, वो तो फिर पिता ने क्या कहा कि उसी ने कहा कि फिर भगवान खिलाएंगे, तो फिर भगवान खिलाएंगे तो अभी नहीं खिलाएंगे, ये पिता कहता है वो लाचारी से खिलाएंगे, वो बीमार हो गया तभी लाचार खिलाएंगे, वो तो अभी तो सत्संग में आप पिता को कहकर अभी मैं जाता हूँ, अभी तो भगवान लाचारी से देखेंगे, अभी सत्संग में जाता हूँ। तो जितने प्रेमी बैठे हो प्रेम से बोलो, सत्संग में जाइए साथ न लीजिए को, पीछे पाओ न दीजिए आगे हुए से हो, सत्संग साध संगत जा बैठ प्यारा, स्थित करके आसन बांध के बैठो, संत वचन सुन कर विचारा, महात्मा का वचन सुन के विचार करो, कि ये रोचक है भयानक है यथार्थ है, खाली रोचक है यथार्थ रोचक है, खाली भयानक है यथार्थ भयानक है, यथार्थ खुला है पर्दे के अंदर है, संतों का वचन सुन के विचार करो, विचार करो, विचार करके संसार सगल निवार, संसार भ्रम दूर करो शांति पाओ, तो शांति दूर करिए, संसार गया तो शांति आई, साध संगत के द्वार शांति पाओ रे हरि, साध संगत की करके सेवा पूरन आत्मदेवा, साध संगत की करके सेवा पूरन आत्मदेवा, अरे लेखा यमता संगत की करके सेवा।